जय हिंद दोस्तों, संकल्प क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमें सीखे थे कि कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार का होता है। पहला टाइप था क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, निश्चित किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पवन। पवन को क्या लिखा है, कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। पवन को लिख दिया इतना, ठीक। उसके बाद सबसे सांकेतिक भाषा में इसका पूछा है। बात समझ में आया, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको कुछ ना समझ में आए तो इसको ऊपर लिख लीजिए, PAWAN हो गया इतना, कोई दिक्कत। उसके बाद से यहाँ देखिए क्यू है ना, क्यू दिया है। उसके बाद से बी दिया है, एक्स दिया है और बी दिया है। बस क्या दिया है, वो दिया है। देखिए अगर कुछ समझ में, देखने से अगर कुछ समझ में आ रहा है तो उसको बनाएंगे, ठीक। अगर ना समझ में आएगा, देखिए सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। कुछ ना समझ में आए तो क्या करते हैं, नंबरिंग कर। लेकिन यहाँ देखिए तो आसान है, पी से क्यू लिख दिया है, प्लस वन कर दिया है। ए से बी लिखा है तो प्लस वन किया है। उसी तरह डब्ल्यू से एक्स लिखा है तो प्लस वन किया है। ए से बी लिखा है तो प्लस वन किया है। और एन से ओ लिखा है तो क्या किया है, प्लस वन किया। यानी प्लस वन करके अगला लेटर लिख दिया है ना। बस समझ में आया, उसी पर किसका निकालना था, J A M U N। तो जे के बाद से क्या होता आता है, जिस तरह पी के पास क्यू होता है, जे के बाद से क्या आएगा, के आएगा। ए के बाद से क्या आएगा, बी आएगा। एम के बाद से एन आएगा। यू के बाद से भी आएगा। एन के बाद से एन ओ आएगा। बस समझ, यानी के बी एन भी ओ, के बी एन भी ओ। ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। बस समझ में आया, अगर ये समझ में नहीं आता तो इसका नंबरिंग कर देते, नंबरिंग करने पर आसान हो जाता है, ठीक। उस तरह समझ में आता है कि कौन सा लॉजिक लगाया है। इसी पर आगे देखिए, इसका कोड दे दिया इतना और इसका कोड पूछा है, तो इसको भी वैसे लिखेंगे, R O A D। इसका कोड क्या दिया, UR, ठीक, D और क्या, जी। बस समझ में आया। अब देखिए तो R से U लिखा है ना, तो R से U, R S T U, यानी प्लस कितना किया है, तीन किया है। प्लस कितना किया है जी, तीन किया। उसी तरह O से R लिखा है ना, तो वो तो 15 नंबर होता है, R 18 नंबर, यानी प्लस तीन इसमें भी किया है। A से D लिखने में प्लस तीन किया है, D से G लिखने में भी प्लस कितना किया है, तीन किया है, ठीक। यानी प्लस तीन करके आगे लिख दिया है ना। उसी तरह इसको तो लिखिए तो क्या लिखा है, S A W A N है ना, S W A N, ठीक। यस में तीन जोड़ेंगे ना, यस में तीन जोड़ते, यस टी यू भी, क्या टी यू भी। उसी प्रकार डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक के बाद से बी सी डी, बी सी डी हो जाएगा, ठीक। एन के बाद से एन, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार बना सकते हैं, एन का एस का जितना नंबरिंग है उसमें तीन जोड़कर और तब लिखेंगे। ऐसे भी जोड़कर निकाल लिए, कितना आएगा, वी जेड डी क्यू, वी जेड डी क्यू। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। इसी प्रकार आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका कोड कितना दिया, इतना दे दिया, इसका कोड इतना दे दिया, तो इसका कोड पूछा है। बस समझ में आया, चलिए इसको देखिए तो क्या लिखा है। सबसे पहले इसको उतारिए ऊपर नीचे, तो A R G U E हो गया इतना। इसे कोड दिया है कितना, Y P E S और क्या, C, यही दिया है ना। अब इसका करके निकालेंगे, सबसे पहले कोड निकालेंगे। ए से Y लिखा है ना, तो ए से Y कितना होगा, ए से एक पीछे जाएंगे तो जेड आएगा, एक और पीछे जाएंगे तो कितना आएगा, वाई आएगा। यानी माइनस दो करके लिखा है ना यहाँ पर, यहाँ कितना लिखा है, माइनस दो। उसी तरह आर से देखिए तो आर कितना नंबर होता है, 18 नंबर, और पी 16 नंबर पर, यहाँ भी कितना, माइनस दो। लगता है इसमें सब में कित क्या लगा है, माइनस, जी में से दो जाएगा, ई एफ जी सही है, एस टी यू, यहाँ भी माइनस दो है, यहाँ भी कितना है, माइनस दो है। इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, माइनस दो, यानी दो कम करके लिखा है ना। उसी तरह किसका निकलना था, डायग्राम का निकलना था, डी आई ए जी आर ए एम, इसी का निकालना है ना। निकालिए तो डी में से दो जाएगा तो क्या आएगा, डी चार नंबर पर होता है, दो जाएगा तो दो आएगा, यानी दो नंबर पर कौन आता है, बी आता है। उसी तरह आई है ना, आई कितने नंबर पर आता है, नौ नंबर पर, नौ में से दो जाएगा कितना, सात है, जी सेवन, सात नंबर पर कौन आता है, जी आता है।
बात समझ में आया है। ये कितने नंबर पर था, एक को एक नंबर भी बोल सकते हैं और 27 नंबर भी बोल सकते हैं। जब घटाना है तो एक में से दो घटेगा नहीं, उसी तरह 27 मान लेते हैं। 27 मानेंगे तो 27 में से दो जाएगी तो ना 25, 25 नंबर पर कौन आता है, वाई आता है। तो जी 7 होता है ना, 7 को में से दो जाएगा 5, 5 नंबर पर कौन आता है, ई आता है। उसके बाद आर कितने नंबर पर आता है, 18 नंबर, कितना 18, 18 में से दो जाएगा 16, 16 नंबर पर कौन आता है, पी आता है। और ए को कितना मान लेंगे, 27, 27 में दो जाएगा 25, 25 के लिए वाई। उसी तरह ये कितना है 13, एम कितने नंबर पर 13, 13 में से दो जाएगा 11, 11 नंबर पर कौन आता है, के आता है। इसका कोड क्या हो गया, बी जी वाई ई पी वाई के, बी जी वाई ई पी वाई के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, अगला है क्वेश्चन हमारा, इसका कोड कितना दे दिया है, इसका कोड दे दिया है इतना, और किसका कोड इसका पूछा है ना। देखिए तो सबसे पहले इसको ऊपर लिखिए, उसको नीचे लिखिए, यानी पी आर ए एम ओ डी हो गया। इसका कोड दिया है एस ओ डी, एस ओ डी जे आर ए हो गया। इसका निकालिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए पी से कितना लिखा है, यस लिखा है, पी से कितना लिखा है, यस लिखा है। और कुछ ना समझ आए तो इसका नंबरिंग कर दिए, कुछ ना समझ में आएगा तो क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। लेकिन यहाँ तो समझ में आ ही रहा है, देखिए पी से यस किया ना तो पी क्यू आर यस, प्लस कितना किया है, 3 किया, प्लस 3 किया है। और आर आया वो लिखा है ना, तो वो तो आता है 15 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, तो 18 से 15 लिखा है तो माइनस 3 किया है ना, कितना किया है, माइनस 3। उसके बाद से देखिए तो ए कितने नंबर पर आता है, एक नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, तो एक से एक ऊपर नीचे 4, यानी प्लस कितना करके लिखा है, 3 करके लिखा है ना, यानी प्लस यहाँ कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। बात समझ में आया, यहाँ प्लस 3। उसी पर यहाँ देखिए तो एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, और जे आता है कितना, 10 नंबर पर। यहाँ देखिए तो माइनस 3 करके लिखा है ना, यानी प्लस 3, माइनस 3, प्लस 3 यहाँ लगता है, प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3। उसी पर यहाँ केशव का निकालना था, किसका निकालना था, केशव का, के ई एस एच ए भी हो गया, के ई एस एच ए भी, इसी का निकालना है ना, निकालिए तो के में पहले कितना करेंगे, के कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर, कितना 11 नंबर पर। ऐसे पहले प्लस 3 करते हैं ना, तो प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 3 कितना होता है, 14। और 14 नंबर पर कौन आता है, यन आता है, कौन, यन आता है। बस समझ में आया, उसी पर यहाँ देखिए ई है ना, और इसे प्लस 3 करके लिखे हैं, तब यहाँ कितना, माइनस 3 करके लिखेंगे ना, तो देखिए ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर, 5 में माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 नंबर पर कौन आता है, बी आता है, कौन, बी आता है। ये समझ में आया ना, इसी प्रकार आगे देखिए तो प्लस 3 माइनस 3, अब कितना होगा, प्लस 3 होगा, तो यस में कितना करेंगे, प्लस 3, यस कितने नंबर पर आता है, यस आता है कितना, 19 नंबर पर। ठीक, अब प्लस 3 करेंगे तो 19 3 कितना होता है, 22, 22 होता है ना, अब 22 नंबर पर कौन आता है, भी, कौन, भी आता है, यानी यहाँ क्या आएगा, भी आएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए तो यहाँ प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 अभी तो क्या होगा, माइनस 3 होगा ना, माइनस 3 होगा। तो देखिए यच का कितना होता है, 8, यच का कितना नंबर पाता है, 8 नंबर पाता है। इसमें कितना माइनस करेंगे, 3, यानी आएगा कितना, 5, कितना, 5। अब 5 नंबर क्या आता है, ई आता है ना, क्या, ई आता है, यानी इसके यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। उसी पर यहाँ देखिए तो प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3, पर क्या होगा, प्लस 3 होगा ना, ये तो एक नंबर पाता है, इसमें प्लस 3 करेंगे तो कितना जाएगा, 4, 4 के लिए क्या होता है, डी होता है, क्या, डी होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी पर अगला देखिए तो भी है ना, भी है, भी का कितना नंबर होता है, भी का नंबर होता है कितना, 22, कितना, 22। प्लस 3 माइनस 3, प्लस 3 माइनस 3, अब क्या होगा, माइनस 3, तो इसे माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 19, 19 नंबर पाता है, क्या, यस, क्या, यस आता है। यानी इसका कोड क्या आएगा, यन बी भी ई डी एस, यन बी भी ई डी एस। ऑप्शन नंबर किस में है जी, डी में है। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार, आगे डिस्प्ले का कोड इतना दे दिया है, प्रोजेक्ट का पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले इसको ये ना, तो डिस्प्ले का इतना दिया है ना, सबसे पहले लिखिए डी आई एस पी एल ए वाई। इसे कोड क्या दिया, बी बी एल क्यू एस जे डी डब्ल्यू हो गया।
इसका अच्छा सबसे पहले इसको लॉजिक पकड़िए, तो लॉजिक क्या है इसमें, देखिए डी कितने नंबर पर आता है, चार नंबर पर, चार है यहाँ, बी जाता है दो नंबर पर, ऊपर आता है चार नंबर पर, नीचे आता है कितना, दो नंबर। अब यहाँ से लॉजिक देखिए क्या है, चार को में से दो को जाएगा तभी दो आएगा ना, यानी कितना किया है यहाँ, माइनस दो किया है, समझ में आया ये बात। आगे देखिए तो यहाँ पर कितना, माइनस दो। आई कितने नंबर पर आता है, आई आता है नौ नंबर पर, ये वाला आता है कितना नंबर पर, ये वाला आता है कितना, बारह नंबर पर, ऊपर आता है नौ नंबर पर, नीचे यानी प्लस कितना किया है, प्लस तीन किया है, यानी माइनस दो प्लस तीन। उसके बाद से यहाँ देखिए तो यस और क्यू है ना, यस आता है उन्नीस नंबर पर, क्यू आता है सत्रह नंबर पर, यानी यहाँ माइनस दो किया है, ठीक। अब पी, पी का स्थान होता है सोलह, यस का होता है उन्नीस, यानी प्लस तीन। उस पर लगता है यही माइनस दो प्लस तीन, माइनस दो प्लस तीन और कितना, माइनस दो, यहाँ देखिए तो प्लस तीन सही है, यहाँ भी सही है, यानी प्लस दो माइनस तीन, प्लस दो माइनस तीन, यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। तो निकालिए, तो प्रोजेक्ट का निकालना है ना, पी आर ओ जे ई सी टी हो गया, प्रोजेक्ट का निकालना, निकालिए पहले कितना करेंगे, माइनस दो करेंगे, पहले माइनस दो, तो यहाँ देखिए पी, पी में माइनस दो करेंगे ना, माइनस दो करेंगे तो कितना आएगा, पी कितना नंबर पर आता है जी, माइनस दो, पी हमारा आता है ओ पी, पी आता है कितना, सोलह नंबर, कितना सोलह नंबर, सोलह नंबर में दो को घटाएंगे ना, और पहले माइनस दो किया था, यानी कितना आएगा, चौदह, चौदह के लिए क्या होता है, यन होता है, क्या यन होता है, हो गया इसका। उसके बाद आर देखिए तो आर कितने नंबर पाता है, आर कितने नंबर पाएगा, पहले माइनस दो, अब कितना प्लस तीन, कितना प्लस तीन, यानी माइनस दो प्लस तीन का कॉन्सेप्ट लग रहा है ना इसमें। तो आर का होता है कितना नंबर, आर होता है अठारह नंबर पर, ठीक। उसमें प्लस तीन करेंगे, प्लस तीन करेंगे कितना आएगा, इक्कीस आएगा, कितना इक्कीस, अठारह तीन कितना होता है इक्कीस, इक्कीस नंबर किसका होता है, यू का होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसको मुजावानी बनाइए, तो ओ का होता है पंद्रह, पंद्रह में से अब यहाँ माइनस दो करेंगे ना, तो कितना आएगा तेरह, तेरह कितने नंबर आता है, यम आता है, तेरह पर कौन आता है, यम आता है। उस तरह जे है ना, जे आता है दस नंबर, कितना दस नंबर का, और दस नंबर में इसमें प्लस तीन करेंगे ना, माइनस दो प्लस तीन, माइनस दो प्लस तीन, इसको ऐसे कर लीजिए, माइनस दो प्लस तीन माइनस दो, यहाँ देखिए तो जे में जे आता है कितना दस नंबर, दस प्लस तीन तेरह, तेरह नंबर पर कौन आएगा, यम आएगा, कौन यम आएगा। उसी प्रकार ई ना, ई आता है पाँच नंबर, पाँच में दो जाएगा कितना तीन, तीन नंबर पर कौन आता है, सी आता है, ठीक। इसी प्रकार सी है ना, यहाँ पर सी में सी तीन नंबर पर आता है, इसमें तीन जोड़ेंगे तो छः हो जाएगा, यानी ई एफ हो जाएगा, क्या एफ हो जाएगा। और टी, टी में से टी आता है बीस नंबर पर, बीस में से दो जाएगा अठारह, अठारह नंबर पर कौन आएगा, आर आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, यन यू एम एम सी एफ आर, यन यू एम एम सी एफ आर, ऑप्शन नंबर कौन, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, आगे है हमारा, इसका कोड कितना दे दिया, नहीं लीडर का दिया है ना, इसका कोड दिया है कितना, इतना, और इसका पूछा है ना, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे एल ई ए डी ए आर, एल ई ए डी ए आर का कोड दिया है क्या, पी आई, पी आई ई एच आई बी एच आई भी, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, लॉजिक पता करेंगे, क्या लॉजिक पढ़ेंगे, इसमें लॉजिक क्या लगा है। देखिए तो यल से क्या लिखा है, पी लिखा है, यल से पी लिखा है ना, ई से आई लिखा है, ए से ई लिखा है, इसका लॉजिक पकड़िए, तो इसमें लॉजिक क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, कुछ ना समझ आए तो नंबरिंग करेंगे, अगर समझ में आ जाता है तो लॉजिक को डायरेक्ट पकड़ लीजिए। यहाँ देखिए यल से क्या लिखा है, पी, यल से पी, तो यल एम एन ओ पी, प्लस कितना चार, प्लस चार, ठीक है। आगे देखिए तो ऐसे भी निकाल सकते, एल कितने नंबर पर आता है, एल होता है बारह नंबर, कितने बारह नंबर पर, पी, पी सोलह नंबर, बारह चार कितना हो जाएगा, सोलह हो जाएगा। उस पर ई आता है पाँच नंबर पर, आई आता है कितना नंबर पर, ई आता है पाँच नंबर, आई नौ नंबर पर, यानी प्लस कितना, यहाँ प्लस कितना हुआ है, चार हुआ है, प्लस चार हुआ है। तो ई आता है कितना नंबर पर, एक नंबर पर, आई आता है पाँच नंबर पर, यानी प्लस यहाँ भी कितना हुआ है, प्लस चार हुआ है। इस पर डी से एच लिखा है ना, तो डी चार चार आठ, यानी प्लस चार यहाँ भी है, यहाँ ए है ना, ए से कितना लिखा है, आई है, ए का कितना कोड होता है, एक होता है, आई का नौ होता है, यानी प्लस इसमें कितना कर दिया, आठ कर दिया है, प्लस आठ कर दिया है। क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है थोड़ा, ये आर, आर पर यहाँ मिलाइए तो यहाँ आई नहीं होगा, एक मिनट यहाँ गलती लिख दिए, यहाँ आई नहीं होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ आई है ना, आई नहीं होगा, यहाँ पर ई होगा, क्या ई होगा, क्या होगा, ई होगा, यहाँ पर ई रहना चाहिए, ठीक, यहाँ गलती हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ क्या आएगा, ई आएगा, यहाँ लिखेंगे क्या ई, और यहाँ ई रहेगा तो क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आया, यहाँ भी है तो भी। अब देखिए एक इसका पाँच, ये कितने जोड़ेंगे, जोड़ेंगे चार। एच का कितना होता है, आर है ना, आर का होता है कितना, 18 नंबर। अब भी क्या होता है, 22 नंबर, प्लस चार भी यहाँ हुआ है। ठीक, अब यहाँ देखिए तो किसका निकालना था, एल आई जी एच टी का ना, एल आई जी एच टी, एल आई जी एच टी। इसको देखिए तो एल का कितना नंबर होता है, 12, 12 चार कितना, 16, 16 नंबर पता है क्या, पी आता है। उस पर आई का होता है 9, 9 चार 13, 13 नंबर पता है क्या, एम। उस पर जी, जी का होता है 7, ठीक, और 7 चार 7 चार कितना होता है, 11, 11 नंबर पर कौन आता है, के। उसी पर एच, एच का कितना होता है, 8, 8 चार 12, 12 नंबर पता है क्या, एल। ठीक, उसके बाद से टी, टी के कितना होता है, 20, 20 3 23, 23 नंबर कौन आएगा, एक्स आएगा, कौन, एक्स आएगा, पी एम के एल एक्स, पी एम के एल एक्स। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अंतिम सवाल देखिए तो अंतिम सवाल दिया है इतना, ठीक, इसका कोड दे दिया है कितना, इतना, और इसका कोड पूछा है ना, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।